डरावनी दुल्हन मुझे छोड़ दो, छोड़ दो। इतनी डरावनी रात है, बारिश भी शुरू हो गई। अरे जलाल तू आई बला को डाल तू, चल तू जलाल तू आई बला को डाल तू, चल तू जलाल तू आई बला को डाल तू, चल तू जलाल तू आई बला को डाल तू, चल तू जलाल तू आई बला को डाल तू, चल तू जलाल तू आई बला को डाल तू, चल तू जलाल तू आई बला को डाल तू, चल तू जलाल तू आई बला को डाल तू, चल तू जलाल तू आई बला को डाल तू। मोहनलाल के घर की ओर देखूंगा ही नहीं, देखूंगा तो डर लगेगा ना। चल तू जलाल तू आई बला को डाल तू, चल तू जलाल तू आई बला को डाल तू, चल तू जलाल तू आई बला को डाल तू, चल तू जलाल तू आई बला को डाल तू, चल तू जलाल तू आई बला को डाल तू, चल तू जलाल तू आई बला को डाल तू, चल तू जलाल तू आई बला को डाल तू, चल तू जलाल तू आई बला को डाल तू, चल तू जलाल तू आई बला को डाल तू, एक दुल्हन थी, अब वो इस दुनिया में नहीं है। भूत बनकर भटक रही है। जो घर काफी वक्त से खाली होता है उसमें वो अपना डेरा डालती थी। वो कुंवारे लोगों पर अटैक करती है। तारक उठिए। अरे किसके बचा लो? कहाँ? क्या है मोहनलाल के घर में? कुछ नहीं है वहाँ पे, कुछ नहीं है। पोपटलाल, पोपट भाई, वहाँ कुछ नहीं है। क्या हुआ है पोपटलाल? वहाँ कुछ नहीं है। क्या हालत कर लिया उन्होंने? बताओ क्या हुआ, शांति से बोलो क्या हुआ। पहले सबको बुलाइए। इतनी रात को? अरे रात को मारिए गोली, वो पीड़ित थोड़ी आई है, और सबको बुलाइए पहले। ठीक है, बुला दो। अंजलि जरा फोन लेके आओ ना मेरा, प्लीज जल्दी बुलाता हूँ, बुलाता हूँ। तुम ये बताओ क्या हुआ है? सब कुछ ठीक? सब ठीक है, सब ठीक है। पोपटलाल क्या देखा तुमने, क्या हुआ है? फोन लीजिए, बुलाइए। बुलाता हूँ, देखो तुम बिल्कुल डरो मत, बिल्कुल मत घबराओ, मैं बुलाता हूँ। पोपट भाई सर पूछ लीजिए, बताइए क्या हुआ। हेलो, हाँ हेलो मेहता साहब, क्या हुआ, सब ठीक तो है? अरे मैं तो ठीक हूँ भाई, वो पोपटलाल की दुनिया हिली हुई है। हो गया मेहता साहब? पोपोनू
पता नहीं, कुछ बता नहीं पा रहा है, बहुत डरा हुआ है। लगता है चाचा जी ने जो कल रात देखा था ऐसा ही कुछ पोपटलाल ने देख लिया है। ओह माय गॉड, अब ये पोपटलाल ने क्या देख लिया? अब ये तो पता नहीं क्या देख लिया। आप लोग जल्दी से आइए, मिलके पता करते हैं और मिलके पूछते हैं हुआ क्या है। ठीक है मेहता साहब, हम लोग अभी आते हैं आपके घर। पोपटलाल सबको फोन कर दिया है, सब आ रहे। शांत हो जाइए और बताइए क्या बात है। बहुत डरा हुआ है, जरा एक गिलास पानी लेके आओ ना। आप पूछिए तो सही, क्या हुआ? हाँ बोलो क्या हुआ बबीता। चलो मैं तो तब क्या जाना है। किसका फोन है? सुनिए मेहता साहब का फोन था, कल चाचा जी ने कुछ देख लिया था, आज पोपू ने कुछ देख लिया। अब तो देखना ही पड़ेगा कि माजरा की है। कितने है मेरी हॉकी, हॉकी कितने है? हाँ बोलिए मेहता साहब। चाचा जी शांति से सो रहे हैं ना? हाँ चाचा जी एकदम शांति से सो गए, बस पोपट भाई आ जाए तो मैं भी घर पे जाके शांति से सो जाऊंगा। अब्दुल मैंने तुम्हें यही कहने के लिए फोन किया है कि आज की रात तुम्हें चाचा जी के पास ही रुकना पड़ेगा, आज पोपटलाल वहाँ जेठल के यहाँ नहीं आ पाएगा। लेकिन पोपट भाई से मेरे अभी बात हुई। हाँ बात हुई अब्दुल, लेकिन हुआ यूं। अरे बाप रे। तो ठीक है अब्दुल, तुम चाचा जी का ध्यान रखो, हम यहाँ पोपटलाल को हिम्मत देते हैं। ठीक है? ठीक है मेहता साहब, अगर मेरी जरूरत हो तो मुझे फोन कर देना। हाँ ठीक है ओके। क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कुछ नहीं है यार, ये पोपू का राई का पहाड़ बनाने की आदत है। वो चाचा जी जैसे उसने भी मोहनलाल के घर पे कुछ देखा। देखो देखो उधर है कुछ, उधर कुछ भी नहीं है उधर। देखो ये पोपटलाल खामा का डर रहा है, कल चाचा जी को शांत किया था, आज से शांत करना पड़ेगा। चलो 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 किधर चले, इधर तो नहीं, चलो मैं रहता अपने घर पे। पोपटलाल बिजली चमक रही, कुछ नहीं हुआ है, बारिश हो रही है, मौसम खराब है, कुछ नहीं हुआ है। डरो मत, डरो मत। शांति रखो, सब एक साथ पूछेंगे तो कैसे जवाब देगा वो, एक एक करके पूछते हैं। कुछ नहीं है, अभी हम सब जब आ रहे थे तो हमने मटका किंग मोहनलाल के घर पे ऐसे टॉर्च मार के देखा। अच्छा? हाँ उतने कुछ भी नहीं है। अरे कुछ भी नहीं है पोपटलाल, मैं खुद गया हूँ चाचा जी के साथ वहाँ पे, वहाँ पे कुछ भी नहीं था, मैं अपनी आंखों से देख के, और ताला लगा हुआ है उसके घर पे। तो कल हम लोग गए थे ना मोहनलाल के घर के बाहर, कुछ था, कुछ भी नहीं था, और तेरे को भी चाचा जी के जैसे भ्रम हो गया। नहीं, हम गलत थे, हम सब गलत थे, चाचा जी को कोई भ्रम नहीं हुआ था। मुझे पता है चाचा जी ने वहां क्या देखा था, मैंने भी उसे देखा है आज। क्या देखा तुमने? भाई तुम्हें उठते बैठते सोते जागते दुल्हन दिखाई देती थी, वहां तक समझ में आता है, लेकिन तुम्हें मटका की मोहल्ला के खाली फ्लैट पे भी दुल्हन दिखाई दी? ये टू मच हो गया। तेरी दुल्हन तेरा घर छोड़ के मटका किंग के खाली घर में क्यों घूमेगी भाई? ये मजाक की बात नहीं है, मेरी दुल्हन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। पर भाई आप किसकी दुल्हन की बात कर रहे हो? डरावनी दुल्हन। डरावनी? वो कौन है? आत्मा, एक खौफनाक आत्मा, एक दुल्हन की आत्मा जो बंद फ्लैट्स में अपना डेरा डाल लेती है और कुमारों पर चपटती है। उनकी शादी नहीं होने देती।
पोपटलाल जी, आप ये बताइए सारी जानकारी कहाँ से मिली? अरे मुझे आज ही मेरे एडिटर साहब ने बताया, शहर में डरावनी दुल्हन की आत्मा भटक रही है। उन्होंने मुझे उस पर आर्टिकल लिखने को भी कहा। पप्पू भी, और पप्पू कहानी तो बड़ी अच्छी है, पर तेरी इस कहानी से हम लोगों का पोपट नहीं होने वाला। अरे भाई मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, थोड़ी मैंने सच में अपनी आंखों से उस डरावनी दुल्हन को देखा है, अब भी देखा है। दूधिया रोशनी में उसका खतरनाक चेहरा, घने लाल रंग का उसका शादी का जोड़ा, कड़कती लपकती बिजली में उसके चमकते गहने, उसका खौफनाक साया, और उस साये में अचानक दो चेहरे और चार हाथ हो गए। अरे दो सर चार हाथ, चार हाथ। मैं आप लोगों को बता नहीं सकता ताकि वो मंजर कितना डरावना था। ऊपर भाई शांत हो जाइए, आगे कुछ मत बताइए, मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज। मुझे पर बहुत डर लग रहा है, मुझे लगता है चौकस मोहनलाल भाई के घर में कुछ न कुछ तो है। और सुनिए, वो ऐसा कुछ भी नहीं है। और पोपू कल चाचा जी के साथ रुका था, तो मुझे लगता है चाचा जी की बातों का असर इसके दिमाग पे भी हो गया, इसलिए इसको ये भ्रम हो रहा है। नहीं थोड़ी, मुझे क्या लगता है कि एक आदमी को भ्रम हो समझ में आ सकता है, लेकिन दो दो आदमियों को सेम भ्रम? हाँ मतलब नहीं, ये सोचने वाली बात तो है कि सचमुच कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है वहाँ। हमें चाचा जी की बात को सीरियसली लेना चाहिए था। यारो मैंने लगता हूँ इक्की रास्ता की क्या? क्या? क्या हम सब मटका किंग मोहनलाल के घर के अंदर जाते हैं और देखते हैं वहाँ क्या है। नहीं, 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 मैं नहीं जा सकता मोहनलाल के घर। अरे घर तो दूर, मैं उसके घर के आसपास भी नहीं जाऊंगा। नहीं, 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 नहीं। हाँ मतलब वो उस घर के अंदर जाना क्या सही होगा? अभी बिल्कुल ठीक नहीं होगा, हमें पता नहीं उस घर में क्या है। हाँ मुझे तो अंदर जाने के बाद से ही डर लगने लगा है। आप सबको डर लग रहा है, इसीलिए तो अंदर जाना है। और जब तक आप घर के अंदर नहीं जाओगे, तब तक आप सबके अंदर का डर बाहर कैसे निकलेगा? और यारो मैं आप सबको वहाँ पे ले जाके ये दिखाना चाहता हूँ कि वहाँ पे कुछ नहीं है, ये बस पप्पू और चाचा जी का भ्रम है। सॉरी भाई, सिर्फ भ्रम हो तो अच्छा है। अंजलि भाभी आप भूल गए, वो पिछली बार भी हमारी सोसाइटी में एक भूतनी आई थी, याद है? भूत कुछ नहीं होता। याद है भाई, याद है, याद है, याद है ना? उस औरत को भूतनी मानकर सब लोग डर गए थे, पर वो इंसान की रची हुई साजिश थी, भूत भूत कुछ नहीं था। नहीं 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 भाई सोड़ी, उस बार की बात अलग है, वो भूतनी हम सबको दिखती थी ना, लेकिन ये डरावनी दुल्हन है, ये सबको नहीं दिखती है भाई, सबको नहीं दिखती है। पप्पू लेकिन इस बार तो पता है ना, जो भी है वो इस घर में है। अरे इस घर में नहीं छोड़ी, उस घर में, मोहनलाल के घर में। हाँ हाँ, और पप्पू इस बार तो पता है ना, जो भी है वो उस घर में है। ओए मैं तो कहता हूँ ये ड्रामी उड़ामी दुल्हन कुछ नहीं होता, और अगर कुछ भी है ना तो उन्नू तो मैं देख लूंगा। ओ आप लोग डरो मत, रोशन सिंह थोड़ी है आपके साथ, चलो मोहनलाल का कार खोल के देख लेते हैं। आओ जी।
मेरे को लगता है सोडी का बात सही है, हमको मोहनलाल के फ्लैट में जाकर देख लेना चाहिए। लेकिन अभी जाने की क्या जरूरत है बाबा? हाँ कल दिन में चले जाते हैं ना देखने के लिए कि क्या है। इस वक्त जाने में तो मुझे भी डर लग रहा है। आप लोग डर क्यों रहे हैं, मैं हूँ ना आपके साथ। चलो चलो मोहनलाल के घर चलते हैं। आओ मैं। अरे क्या चलते हैं सोडी, कैसे जा सकते हैं? वो फ्लैट की चाबी कहाँ है हमारे पास अभी? ओए मोहनलाल के घर का ताला तोड़ देंगे और रोशन सिंह सोडी के सामने अच्छे अच्छे तालों ने दम तोड़ दिया। तो ये मोहनलाल के घर का ताला क्या चीज है? सोडी मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि बंद फ्लैट का ताला तोड़ना सोसाइटी के नियमों के विरुद्ध है। फिरो आज ये नियम और मोहनलाल के घर का ताला दोनों टूटेंगे। टूटेगा लेकिन पहले कहीं मेरा नाक नहीं टूट जाए आराम से। थोड़ी एक मिनट मिनट कुछ अलग सोचते हैं ना। ओए सोचना क्या है, हमारी गोकुलधाम सोसाइटी की सुरक्षा का सवाल है। अभी ताला तोड़ देता हूँ, देखते हैं वहाँ कुछ नहीं होगा। चलो भाई हमें पता है कि पोपट पहुँची और चाचा जी ने वहाँ क्या देखा, फिर ऐसे सब जानने के बाद भी वहाँ जाना ठीक होगा नहीं होगा? हाँ सोनी भाई प्लीज एक बार फिर से सोच लीजिए, जाना है कि नहीं। हाँ बिल्कुल, और मैंने कल ही चेक किया यार, ये नए ताले की कीमत 843 रुपए है। अगर हम लोग ताला तोड़ेंगे तो सोसाइटी को 843 रुपए का नुकसान हो जाएगा। बेड़ा दिमाग ठिकाने के ट्यूशन चले गया है, यहाँ मेरी जान जा रही है और तुझे ताले के 843 रुपए की पड़ी है। बात पैसे की नहीं है पोपटलाल, बात सोसाइटी के नियमों की है। अरे भाग भाग गए तेरे नियम, भाड़ में जाए नियम। अरे कमिटी मेंबरों का ऐसा बोल रहे हो, भाड़ में जाए नियम। भाई मैं कमिटी मेंबर बात में हूँ, पहले इंसान हूँ। अरे वो जो भी हो लेकिन मैं सोसाइटी के नियमों के खिलाफ एक छपी नहीं सुन सकता। अरे एक मिनट भाई, अरे अरे अभी वो समझो ना यार उसकी मनस्थिति, और एक दूसरे पे चिल्लाने से क्या होगा, शांति रखो ना यार, शांति रखो। और भिड़े देखो पोपटलाल की बात सही, इस वक्त नियम के बारे में मत सोचो क्योंकि देखो दिमाग में वहम है, तो ये वहम दूर करने के लिए एक बार ताला तोड़ के तसल्ली कर लेना सही है। ठीक है मैं ताला तोड़ने की परमिशन दे सकता हूँ लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या शर्त? एक सर्कुलर पे सभी को साइन करना पड़ेगा। अरे कैसा सर्कुलर? एक ऐसा सर्कुलर जिसमें साफ साफ लिखा होगा कि मोहल्ला के घर का ताला सोसाइटी के सभी मेंबर्स की सहमति से तोड़ा जाएगा। उसमें सभी साइन करो, मैं परमिशन दे दूंगा। नेता साहब। अरे क्या यार भिड़े तुम भी। नेता साहब आत्माराम इज राइट। देखो आत्माराम हम सब फॉर्मेलिटी पूरा करेगा लेकिन अभी वो फॉर्मेलिटी पूरा करने का टाइम नहीं है। हाँ अभी ये फॉर्मेलिटी करने का टाइम नहीं है भिड़े, और अगर तुम्हें सर्कुलर में साइन करवानी है तो कोई बात नहीं, आज हम ताला तोड़ देते, कल हम सर्कुलर पे साइन कर देंगे। हाँ साइन कर देंगे। हाँ ठीक है तो फिर तोड़ो ताला। ठीक है यारो सब एक साथ चलते हैं, मैं मटका किंग मोहन लाल के घर का ताला तोड़ देता हूँ, हम उसके घर के अंदर जाके देख लेते हैं कि वहाँ पे क्या है। हाँ तो सब तैयार? हाँ चल पप्पू तू भी नाल चल मेरे। नहीं नहीं मैं नहीं चलूंगा मोहन लाल के घर पे। और चल यार वहाँ जाके तेरा डर दूर हो जाएगा। नहीं नहीं मैंने बताया ना भाई मैं नहीं जा सकता। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। लेकिन क्यों पोपट भाई, देखिए डर तो हम सबको लग रहा है ना। नहीं 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 मैं नहीं जा सकता, मतलब नहीं जा सकता पोपट लाल। अरे भाई मैंने बताया ना वहाँ पर डरावनी दुल्हन है जो कुंवारों पर झपटती है। आप लोग जा सकते हैं, आप सब शादीशुदा हैं लेकिन मैं कुंवारा हूँ। अरे पोपट लाल ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वो तुमसे शादी कर लेगी और तुम भी तो यही चाहते हो ना। भीड़े मैं इंसान से शादी करना चाहता हूँ, आत्मा से नहीं। पप्पो और डोंट फियर, रोशन सिंह सोडी इज हियर। और डर मत, चल मेरे साथ आगे। नहीं नहीं भाई मैं अंदर जाऊंगा तो वो मुझे छोड़ेगी नहीं, मेरी दुनिया हिला देगी और मेरा भी शादी करने का सपना जिंदगी भर के लिए अधूरा रह जाएगा। नहीं 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 जब तक वो डरावनी दुल्हन उस घर में है मैं मोहनलाल के घर में नहीं जाऊंगा। अरे पप्पू अगर उस फ्लैट में कोई भी डरावनी दुल्हन हुई ना तो आज उसकी खैर नहीं है। और उसको भी पता चले कि गोकुल धाम वालों के साथ पंगा लेने का अंजाम क्या होता है।
जिस घड़ी का हम सभी को बेसब्री से इंतजार था दोस्तों, वो घड़ी आ पहुंची। डरावनी दुल्हन कह दीजिए, कोई साया कह दीजिए, बुरी शक्ति कह दीजिए, जो कोई भी रहस्य है वो रहस्य मोहनलाल मटका किंग के इसी फ्लैट में है। और अब वो घड़ी आ पहुंची है। हम गोकुलधाम निवासी इस फ्लैट का ताला तोड़ के अंदर जाने वाले हैं और देखना यह है कि क्या अंदर हमारी मुलाकात डरावनी दुल्हन से होती है। अंदर कोई बुरी शक्ति है, कोई साया है या फिर कुछ भी नहीं है, क्या है अंदर, ये जानने के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। मेरी तो इस वक्त उत्सुकता और रोमांच के मारे अधीरता बढ़ती जा रही है, मेरी सांसें इस वक्त बड़ी तेज चल रही है और मैं जानता हूं आप भी देखना चाहते हैं कि भीतर क्या है। इसके लिए आपको मिलना होगा हमसे कल ठीक 8:30 देखने के लिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, और मैं जानता हूं कि आप देखेंगे और फिर हम मिलकर देखेंगे कि अंदर क्या है। और हां मित्रों, एक विशेष बात, कल 15 अगस्त है, हमारा स्वाधीनता दिवस, हमारी स्वतंत्रता का सबसे बड़ा उत्सव। आइए हम प्रण करें कि हम देश की प्रगति में अपना योगदान देंगे और इस स्वाधीनता के उत्सव को हम सभी मिलकर धूमधाम से मनाएंगे और देश प्रगति के पथ पर यूं ही चलता रहेगा। और यहाँ मोहनलाल मटका किंग के घर में क्या है, ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए हंसते रहिए। रोशन तू खेलो टाइगर चेस, पाठ को समझने की कोशिश तो कर। अरे वो इंसान नहीं, आत्मा है, आत्मा। हॉकी से उसका मुकाबला कैसे करेगा बाबा? तू हॉकी एम 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 फिराउशे, तू हॉकी हवा में ही घूमती रहेगी। पर वो घुटनी, उसका तो कुछ नहीं होगा, वो इधर से उधर, उधर से इधर कुटका मारती रहेगी। किधर वो घुटनी गुस्से में आ गई और तेरे अंदर आ गई तो? दा, दा, आए घुस गई तो मैं अनुज छटंगा नहीं। तू उसे क्या नहीं छटंगा, वो तुझे नहीं छटंगी। अरे और तू उसको मारेगा कैसे? हाँ ऐसे 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 ऐसे। अरे उसको मारेगा तो तुझे खुद को ही लगेगी बाबा। रोशन तू हॉकी से क्या, किसी चीज से भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। अरे सोनिए, और मुकाबला करने के लिए हथियार नहीं जिगरा चाहिए, जो रोशन सिंह सोढ़ी के पास गुरु जी की कृपा से भर भर के है। और मेरे होते हुए कोई भी इंसान, भूत प्रेत और हमारे गोकुल धाम का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बोले सो निहाल सत्यता। आ जाओ आ जाओ, चलो भाई चलो। अरे छाता पर छाता पर छाता पर चलो, आ जाओ भाई, आ जाओ सारे, आ जाओ। अरे 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 छाता छाता है तो सही। अरे मेरा मेरा छाता भिड़े पीछे पीछे दे। अरे वहां तुम आगे बढ़ो, मैं आता हूँ। हाँ अरे ठीक है भैया, एक मिनट एक मिनट, अभी जाना जरूरी है थोड़ी। ओ बिल्कुल जरूरी है, आ जाओ जी, आ जाओ सारे, आ जाओ। माल कर रहे यार तू भी, बहादुर बनना, आ जाओ पापो पड़ेगा ना। शाबाश, पहुंच गया देख बार। अरे बेड़े तुम इतना क्यों डर रहे हो भाई, तुम सोसाइटी के सेक्रेटरी हो, इधर आते जाते हो काम से, इधर नहीं आएगा पहले? नहीं आया, वो ऐसी बातें में डर नहीं रहा हूँ मेहता साहब, थोड़े से घबरा गए ये। अरे तब से नहीं है, वो क्या है, चाचा जी ने वहाँ पे कुछ देख लिया, अभी पोपट लाल ने भी वहाँ पे कुछ देख लिया, इसलिए वो नेचुरली डर आ रहा है, ऐसे डर नहीं रहा हूँ। डोंट वरी, ऊपर चल कर देखते हैं क्या है। चलो चलो कुछ नहीं, चलो चलो। अरे शायद क्या भाई, मैं जब शाम को आया था तब भी लाइट ऐसे ही थी। अच्छा हाँ चलो चलो चलो। नहीं नहीं भाई, बल्ब को कुछ नहीं हुआ, ये उस दुल्हन का प्रभाव है। अरे पप्पू, वो लाइट ऑन ऑफ स्विच से होती है, किसी दुल्हन मुल्हन से नहीं होती है। चल 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 चल। ऐसे भी डरने की कोई बात नहीं है भाई, बरसात का मौसम है, कनेक्शन लूज हो जाता है, इस वजह से ऐसा कर रहा होगा। नहीं 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 सॉरी भाई, मेरी बात मान, हम लोग वापस चलते हैं भाई, चलो वापस। डरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 5 मिनट की बात है, किसी को डरने की जरूरत नहीं है जी, आ जाओ। मैं आके गया कुछ बला को, बला को।
दुल्हन के पीछे भागने वाला आज खुद दुल्हन से डर रहा है। रोशन मने तो बहुत भीख लग रही है, चल हम लोग अपने घर वापस चलते हैं। चलो रोशन डार्लिंग, डर क्यों रही है? ओ बत्ती चली गई होगी, चल चलाओ। शाबाश, मैं हूँ तेरे साथ, डर नहीं, डर नहीं, शाबाश। कुछ नहीं, अरे ये देख के डर रहा। अरे पोपटलाल, ये धतूरे का पौधा है और लौंग और कपूर का धूप। चाचा जी डर रहे थे तो चाचा जी ने कहा इनको घर के बाहर रख देते हैं तो बुरी शक्तियां भाग जाएंगी, तो मैं खुद आया था चाचा जी के साथ रखने के लिए। मैं रख के गया हूँ ये, डर मत, मैंने रखा है। कुछ नहीं है, कुछ है ही नहीं यार, मैं रख के गया हूँ, बोला ना यार, कुछ भी नहीं है। चलो कुछ क्या है? ताला है? दरवाजे पे क्या लिखा है? मिस्टर मोहनलाल, दरवाजे के ऊपर क्या लिखा है? पढ़ना आता है। ये के किसने लिखा है? ये जिसने भी लिखा है सोसाइटी के परमिशन के बगैर लिखा है। अरे वो दरावनी दुल्हन लिखने के लिए तेरी परमिशन लगी। बरोबर बरोबर, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से, मतलब वो यही कहीं है। दुल्हन की क्या हाइट होगी, देखो कितनी ऊंचाई पर लिखा है। ऊंचे वो कहीं पे भी जाके लिख सकते हैं, उनको क्या हाइट वाइट। सॉरी सॉरी, कल हम जब यहाँ पे आए थे तब ये लिखा हुआ नहीं था ना यहाँ पे? नहीं, अरे कल क्या, मैं तो आज आया था ना भाई कुछ समय पहले, तब भी कुछ नहीं लिखा हुआ था यहाँ पे। अरे इसका मतलब है ये डरावनी दुल्हन ने लिखा है। आयर, आई एम रियली स्कैर्ड नाउ। बेटा मी टू। मैं क्या कहती हूँ, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। अरे हम लोग गोकुल धाम वाले हैं और किसी ने यहाँ पे लिख दिया चले जाओ यहाँ से, तो हम लोग डर जाएंगे क्या? अरे डर जाएंगे क्या, डर ही गए हैं। मैंने सुना कि ये किसी इंसान की लिखावट नहीं है। है ना, है ना, आपने भूत की लिखावट कब देखी? ऐसा लग रहा है भूत की है। ओए डरो मत, एक बार इसको सामने आने दो, फिर देखते हैं कौन किसको चलाता है। अरे थोड़ी 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 मान जाओ मेरे भाई, वो लिख लिख के कह रही है कि चले जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से, फिर मैं तो मान नहीं रहा भाई, वहां जाने में खतरा है। बस करो यार, वो कोई नहीं डरेगा, कोई नहीं डरेगा। हाँ मैंने बोल दिया ना, अब कोई भी नहीं डरेगा। और मैं अब इस दरवाजे का ताला भी तोड़ूंगा और अंदर भी जाऊंगा। आप में से अगर किसी को भी मुझ पे विश्वास नहीं है और वो अभी के अभी अपने घर जाना चाहता है तो वो जा सकता है। ठीक है भाई, मैं चलता हूँ। छाता दे, मैं चलता हूँ। ओ पप्पू, वो ये तेरे लिए नहीं है, बाकी सबके लिए है। तेरा तो डर आज मैं निकाल के ही रहूंगा। थोड़ी फिर एक काम करते हैं, आप महिला मंडल जो है वो घर जाइए। आइए भाई, इन्हें छोड़ दो घर तक, हम तेरे साथ चलते हैं। छोड़ी, हाँ मैं भी आता हूँ यार तुम्हारे साथ। नहीं नहीं, हम लोग आप लोगों के साथ ही रहेंगे यहाँ। रोशन, मैं तुझे छोड़ के किधर भी नहीं जाऊंगी, हम लोग भी यहीं पे रहेंगे। आपको छोड़ के मैं कहीं नहीं जाने वाली, समझे? ठीक है छोड़ी, हम तुझे अकेला नहीं छोड़ेंगे, हम सब तेरे साथ चलेंगे। हाँ छोड़ी, हम तेरे साथ हैं। ये है हमारी गोकुलधाम की एकता।
ओ यारो, तैयार हो जाओ अंदर जाने के लिए, क्योंकि अब मैं ये ताला तोड़ने वाला हूँ। चल तू चल तू आई बला को डाल तू, चल तू चल तू आई बला को डाल तू, चल तू चल तू आई बला को डाल तू, चल तू चल तू आई बला को डाल तू, चल तू आई बला को डाल तू। अरे आराम से क्या यार, ताला तोड़ रहे हो, आराम से किसे तोड़ेगा? मिनू हॉकी दे। हाँ हाँ भाई समझ भाई, ताला टूट नहीं रहा है, मतलब अंदर कोई शक्ति है जो ताले को टूटने नहीं दे रही है। वो अंदर जो भी शक्ति है जो मुझे ये ताला तोड़ने नहीं देना चाहती, उसको ये नहीं मालूम कि गुरु की कृपा से बाहर उससे भी बड़ी शक्ति है जो ये ताला तोड़ के रहेगी। बोले गुरु की कृपा से ताला टूट गया, पप्पू टूट गया। हेलो, ओए डरावनी दुल्हन तैयार हो जा, अब तेरी है नहीं। चलो जी चलो। सॉरी मेरे भाई, अंदर जाने से पहले एक बार और सोच ले, मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ तुझे। पक्का आखिरी बार बोल रहा है? हाँ हाँ आखिरी बार, मैं मत जा अंदर मत जा। अब तो मैं अंदर जाके ही रहूंगा, जो भी सोचना था सोच चुके, अब तो फैसले की घड़ी आ गई है, अब तो जो अंदर है उसकी शामत आने वाली है। चलो जी चलो। अंजलि भाभी नहीं 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 सोरी भाई, मैं पहले नहीं। अंजलि भाभी टॉर्च प्लीज। टॉर्च थैंक यू। चलो चलो आ जाओ अंदर, आ जाओ जी आ जाओ, डरने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना, आइए आ जाओ आ जाओ, सारे आ जाओ। गोकुल नाम की एकता जिंदाबाद। आओ। ओहो बिजली तो गई हुई है यार। आ जाओ यारो आ जाओ, ठीक सुनिए कुछ नहीं है इधर, आ जाओ पप्पू आ जाओ, कुछ भी नहीं है। हमें दिन में आना चाहिए था, ये थोड़ी मान नहीं रहा था ना, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। चले अब, चलो चलो वापस चलते, चलो भाई चलो। हम गोकुलधाम वाले ऐसे डर के कैसे चले जाएंगे? एक मिनट एक मिनट, ये आवाज कहां से आ रही है? कहीं से तो आवाज आ रही है। ओहो अरे ये तो वो अलमारी में से आवाज आ रहा है। अरे ये तो ऐसा लग रहा है कि कोई नाखून से लकड़ी खुरद रहा हो। ए, 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 अंदर कौन है? देखो ना वो अलमारी का दरवाजा भी हिल रहा है। नर्क के अंदर कोई है? कौन है अंदर?
मैं पूछ रहा हूँ कौन है अंदर, बाहर निकलो। ओए जो भी है अंदर, मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ, बाहर आ जाओ नहीं तो मैं तेरा छड्डा मारी। थोड़ी छड़ना यार। नहीं छड्डाऊंगा मैं। ओए मनु लगता है अलमारी खोल के देखना ही पड़ेगा। नहीं 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 सॉरी, नहीं 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 भाई, वो डरावनी दुल्हनी अंदर वही छुपी है और अपने नाखून से आवाज कर रही है। पप्पू जो डरते हैं ना वही छुपते हैं, तेरी ये डरावनी दुल्हन अंदर छुप रही है का मतलब वो हम सबसे डर गई है। देखना उनमें छड़ा नहीं। सोनी सोनिया डर नहीं, डब जी है ना खुदाई दी है। सोड़ी आराम से, आराम से सोड़ी। रहने दे भाई, रहने दे भाई। बाबा रवा दे यार से, आराम से, आराम से, वो नाखून मारेगी। ओ यारो कुछ नहीं होगा, मैनू जानते दो प्लीज। देखा खोदा पहाड़ और निकली बिल्ली। अरे बिल्ली, अरे इधर भी ये बिल्ली, ये बिल्ली सच में पीछे पड़ गई है। ये इतना गुर्रा क्यों रही है? मैंने सुना है कि ये बिल्लियों को भूत पिशाच भटकती आत्माएं सब दिखता है। हाँ, और ये तो काली बिल्ली है, काली बिल्लियों को तो दिखता ही दिखता है, मतलब पक्का यहाँ कुछ है तो देखकर वो घुर्रा रही है। यारो वो हम लोगों को देख के डर गई होगी इसलिए घुर्रा रही है। मैं भगाता हूँ इसे। चल चल बिल्ली, आजा आजा बिल्ली। म्याऊ म्याऊ। यारो क्या आप लोग छोटी छोटी बातों में डर रहे हो? अरे अंदर की कोई खिड़की विड़की खुली रह गई होगी जिससे बिल्ली फ्लैट में आई होगी और यहाँ अलमारी में छुप गई होगी। यारो ऐसी छोटी छोटी बातों से मत डरो। वो झूमर हिला तो डर गए, बिल्ली दिखी तो डर गए, हम गोकुल नाम वाले हैं, डरते नहीं किसी से। अरे अब भाई चलो ये मान लेते हैं कि खिड़की खुली थी तो बिल्ली अंदर आ गई, लेकिन फिर अलमारी के अंदर कैसे गई? हाँ चलो ये भी मान लेते हैं कि वो अलमारी का दरवाजा खुला था तो वो अंदर चली गई, लेकिन फिर क्या उसने अपने हाथों से अलमारी का दरवाजा बंद किया? बंद कैसे किया अलमारी का दरवाजा? और ये जो वो बाहर लिखा है लाल अक्षरों में, चले जाओ यहाँ से, वो भी वहाँ बिल्ली ने लिखा है। सोडे भाई बात को समझने की कोशिश कर, ये सब वो डरावनी दुल्हन कर रही है। यार वो मैनू नहीं पता, पर एक बात पक्की है, वो जो भी है और जिसने भी बाहर लिखा है वो रोशन सिंह सोडी को गुरु साहब की कृपा से डरा नहीं सकता। चलो यारो अभी अंदर चल के देखते हैं, आओ। रोशन सूट चिट करे छे, छोड़नी आई डिलीवरी टारी। हाँ सॉरी भाई, पता नहीं अंदर क्या क्या होगा, रहने दीजिए ना प्लीज। देखिए सॉरी भाई, मेरे हिसाब से अब यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है, चलिए। बिल्कुल बिल्कुल, चला 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 चला। वो भिड़ू रुक गई यार, वो हम गोकुल धाम वाले हैं, वो ऐसे कैसे डर जाएंगे यार। रोशन अबे बहुत ठग गया, हम बहुत ठग गए, अबे चल अबे। अरे यार छोड़ी, सब लोग कह रहे हैं तो मान लेना भाई, सब लोग ठीक कह रहे हैं, चलो चले चलते। आएंगे छोड़ी आएंगे, लेकिन कल दिन में आएंगे। चलो चलो भाई, एक मिनट। और दिन में आकर नहीं देखेंगे, अभी आए हैं तो अभी के अभी देख के जाएंगे। और किसी ने ऐसे दरवाजे पे लिख दिया तो हम डर के ऐसे चले जाएंगे? ओ यारो ऐसे डरने की जरूरत नहीं है, हम सब साथ में है ना, अब अंदर आ गए हैं तो चेक करके ही जाते हैं। चलो आ जाओ बेडरूम में देखते हैं, और डरने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना, आ जाओ यारो आ जाओ। चलो चलो चलो। और पप्पू ओ उधर नहीं, इधर बेडरूम में चलो।
दोस्तों देखा ना आपने, डरावनी दुल्हन ने इस फ्लैट के ऊपर साफ साफ शब्द में लिख दिया, चले जाओ यहाँ से। ये पढ़ने के बावजूद, ये देखने के बावजूद, हमने इस फ्लैट में घुसने की गुस्ताखी की है। और अगर सचमुच अंदर डरावनी दुल्हन है, यानी कि कोई भूत है, तो ये गुस्ताखी शेर के मुंह में सर डालने जैसी है। क्या है अंदर और ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों डरावनी दुल्हन चाहती है कि हम यहाँ नहीं आए? उसने ऐसा क्यों लिख दिया? वो क्यों चाहती है कि हम यहाँ से दूर रहें? रहस्य बहुत ज्यादा है, और रहस्य एक गहरे कुएं से ज्यादा गहराता जा रहा है। इतने सारे सवाल, इतने राज, इतने रहस्य, इतना डर, इतना भय, सब कुछ। क्या होगा आगे, ये जानने के लिए आपको देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए, डरते डरते तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अरे कुछ नहीं, आजा आप भी देख यहाँ पे, कुछ नहीं, आजा आजा। कुछ भी नहीं है यार, ऐवे ऐवे है, कुछ है? कुछ भी नहीं है यार। डरावनी दुल्हन का चुचुड़ा और मंगलसूत्र। बाप रे, कुड़े कुड़े दुल्हन 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 पैरों के निशान दीवारों पे कैसे, इंसान कैसे दीवार पे चल सकता है? अरे ये इंसान नहीं है, ये वही है डरावनी दुल्हन का भूत। अरे कमाल करते हो यारो, वो भाग कर इधर आने वाली कौन सी बात थी उधर? रोशन तारू भेजू तो नहीं फरी गयी छे? अरे उधर मंगलसूत्र पड़ा था, चूड़ा पड़ा था, अरे इतना मुट्टा मुट्टा अक्षरों में वहां लिखा हुआ था, चले जाओ इधर से। और वो इतनी डरावनी हंसी, अरे ये सब देख के कोई भी नॉर्मल इंसान मान लेता कि उधर भूत है। कूल डाउन छोड़िए, कूल डाउन, ऐसे गुस्सा तो ना कर। अरे गुस्सा नहीं करूं तो क्या करूं बाबा? छोड़िए मेरा भाई, अब तो मान जा, वहां डरावनी दुल्हन का भूत है। जब मैंने अपनी आंखों से भूत देखा ही नहीं तो मैं कैसे मान लूं? चोड़ी जो नहीं दिखता है उसी को तो भूत कहते हैं ना। चोड़ी भाई देखिए, भूत दिखा नहीं पर आवाज तो सुनाई दी ना। चोड़ी भाई आप कैसे नहीं मान सकते कि भूत नहीं है? दरवाजे के ऊपर से लिखा था चले जाओ यहाँ से, और घर के अंदर भी तो पाँव के निशान वगैरह थे ना, किसने बनाया?
और देखिए दरवाजे पे ताला लगा था तो कोई इंसान दरवाजे के आर पार तो ऐसे नहीं जा सकता है ना। और वो जो भी हो उसको कैसे पता कि हम सब वहाँ पे आने वाले हैं? अरे और वो पैरों के निशान जो दीवार के ऊपर जा रहे थे, दीवार के ऊपर कोई कैसे चल सकता है बोलो। नहीं बराबर है, बराबर थोड़ी अभी मुझे भी धीरे धीरे यकीन हो गया कि उस फ्लैट पे भूत है। अरे प्रू रोशन कोई पर नॉर्मल मानस आवु करीज ना सके। हाँ उस फ्लैट में चौकस कोई डरावनी दुल्हन का भूत है। उसकी रोने की आवाज आ रही है देखो। अरे नहीं पोपटलाल रो रहा है, पोपटलाल पोपटलाल रहता क्यों है? नहीं होने देगी, वो मेरी शादी नहीं होने देगी। भगवान मैंने क्या क्या सपने देखे थे अपनी शादी के, पैसे जमा करके रखे हैं, शेरवानी सिलवा के रखी है, अरे हनीमून के लिए कहाँ जाऊंगा ये भी तय करके रखा है, दो फोटो वाली फोटो फ्रेम लेके रखी है, लेकिन अब ये। अरे भाई शांत हो जाओ पोपटलाल, शांत हो जाओ। अरे कैसे शांति रखूं, ये तो अन्याय है। अगर मैं नया नया कुंवारा होता तो इतना दुखी नहीं होता, लेकिन मैं तो सालों से कुंवारा हूँ, अब तो मेरी शादी बनती है ना। चुप हो जा पप्पू, चुप हो जा। अरे तेरी शादी कोई नहीं रोकेगा यार। रोकेगी? ये मेरी शादी नहीं होने देगी, ये डरावनी दुल्हन मेरे घर में दुल्हन नहीं आने देगी। पोपट भाई आपकी शादी का सलूशन हम लोग ढूंढ लेंगे, पर फिलहाल हमें इस प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढना है पोपट भाई प्लीज। हाँ हाँ हाँ। ओ यारो बहुत हो गया ये डरना वरना, भूत प्रेत ड्रामनी दुल्हन और ये सब बकवास है, ओ मैं इसमें बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता, ओ ये सब अंधश्रद्धा है। ओ अय्यर यार तू तो साइंटिस्ट है, तू तो समझा सबको। अरे थोड़ी ऊपर जो मैंने देखा है ना उसको साइंस भी समझा नहीं सकता है। देखो देखो सुनो, I don't know, मेरे को भी डर लग रहा है। अरे मैं क्या कहती हूँ, हम भूत भगाने वाले तांत्रिक को बुला लेते हैं ना। अरे माधवी पापी, जब कोई भूत भूत देखा ही नहीं तो तांत्रिक को बुला के क्यों होएगा? अरे ऐसा नहीं है बहन, देखिए आप लोग तांत्रिक को बुलाइए लेकिन उसके पहले पुलिस को बुलाइए, पुलिस को बुलाना बहुत जरूरी है। अरे पर इसमें पुलिस क्या करेगी? हाँ पुलिस भूत थोड़ी ना पकड़ सकती है। नहीं नहीं पोपट भाऊ जी सही कह रहे हैं, क्या है पुलिस का काम हमारी रक्षा करना है, तो फिर वो पूरे इंसानों से हो या पूरी शक्तियों से रक्षा तो करेंगे ही ना। बुला बुला पुलिस को बुला, वो हमारी रक्षा करेगी। मुझे भी लगता है कि हमें भी पुलिस को बुलाना ही चाहिए। बुलाना चाहिए। पर पुलिस को बताओगे क्या कि हम लोग मोहनलाल के घर पे गए थे, वहाँ पे हमें भूत होने का डाउट है और सब लोग डर गए? भाई फिड़े तू छोटे की बात मत सुन, तू ये ले मेरा फोन ले और पुलिस से बात कर। तू देख क्या रहा है, फोन ले। पोपटलाल तुम सामने से मुझे फोन करने के लिए दे रहे हो इसलिए मुझे यकीन नहीं हुआ। अरे करना भाई फोन, वाकई डरा हुआ है ये। क्या हुआ सर, इतने गुस्से में क्यों लग रहे हैं आप? अब गुस्से में हूँ तो गुस्से में लगूंगा ना, और गुस्सा ना करूं तो क्या करूं? तुम्हें पता है वो पीटर रोड पे पुराना सा मकान है? हाँ वही ना जो बिल्कुल खंडर जैसा हो गया। हाँ वही वही, उसी के बगल के सोसाइटी वालों ने मुझे कंप्लेंट किया कि उस खंडर में से कुछ दिनों से रात को ठीक 9:10 पर कोई रोशनी मार मार के उन्हें डरा रहा, कहते हैं भूत का डर। हाँ फिर क्या? मैंने कहा भूत का डर, खैर मैं उस खंडर में पहुंचा, मैं वहां दबे पांव पहुंचा, मैंने कहा कौन है वहां पर? वहां से बगल के बस्ती के दो मासूम बच्चे दीवारों पर रोशनी मार मार के रोशनी रोशनी खेल रहे थे। मैंने कहा कौन? तो उन्होंने मुझ पर रोशनी मार कर मेरे साथ खेलने लगे, मैं छिप सक गया, मासूम बच्चे और भूत। लोग भी ना बेकर में डरते रहते। भूत का डर एक मानसिक बीमारी है जिसका इलाज लोगों को डॉक्टर के पास जाकर कराना चाहिए, लेकिन लोग पुलिस के पास आते हैं। अटल हम श्रद्धा के धाम बनारस के रहने वाले हैं, हमें अंधश्रद्धा से सख्त नफरत है। We will not encourage अंधश्रद्धा in the society. Got it? समझ गया सर, प्लीज आप शांत हो जाइए सर, बैठिए आप आराम से बैठिए सर, बैठिए। मरा पक्के है कैसा?
अच्छा। आगे जाके पुलिस फोर्स ज्वाइन करेगा या फिर कुछ और? हेलो हेलो पुलिस है? पुलिस स्टेशन में पुलिस नहीं तो क्या डॉक्टर होंगे? सॉरी सॉरी, मैं जान सकता हूँ कौन महोदय ये सवाल पूछ रहे हैं? जी मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े बोल रहा हूँ, गोकुलधाम सोसाइटी का एक में सेक्रेटरी। हाँ तो भिड़े जी बोलिए, क्या बात है इतनी रात को फोन पुलिस को? सब ठीक तो है ना? अरे इंस्पेक्टर पांडे जी कुछ ठीक नहीं है यहाँ पे। क्यों क्या हो गया? पांडे जी गोकुलधाम सोसाइटी में सब डरे हुए है। कहता है कि गोकुलधाम सोसाइटी में सब डरे हुए है। गोकुलधाम सोसाइटी वाले डरे हुए हैं? भाई कौन है जो तुम लोगों को डरा रहा है? देखिए पंडित जी मैं आपको सब फोन पे नहीं बता सकता, आपसे रिक्वेस्ट है आप जल्द से जल्द सोसाइटी में आ जाइए और हमारी रक्षा कीजिए। रक्षा करना तो मुंबई पुलिस का काम है। तुम सिर्फ ये बताओ कि तुम्हें किससे खतरा है? खतरा तो बहुत बड़ा है पांडे जी, सब डरे हुए। एग्जैक्टली किससे खतरा है वो नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि मुझे भी नहीं पता। डरावनी दुल्हन डरावनी। खतरा है ये तुम्हें पता है, किससे खतरा है ये तुम्हें नहीं पता। क्या बोल रहे हो यार? देखो एक काम करो, मुंह धोके तुम फ्रेश होके मुंबई पुलिस को फोन करो, ठीक है? ओके। परिस्थिति यहाँ पे बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, मैं फोन पे नहीं समझा सकता आपको। आप जल्द से जल्द यहाँ पे आ जाइए या तो किसी को भेज दीजिए, हमें पुलिस की सख्त जरूरत है। परिस्थिति गंभीर है। ठीक है ठीक है मैं आता हूँ। थैंक यू। और हाँ पांडे जी, हाँ आपसे एक रिक्वेस्ट है। क्या है ना, सोसाइटी में आते वक्त ना एकदम दबे पवाना चोरों की तरह। को कह रहे हो कि दबे पांव चोरों की तरह? नहीं, मेरा मतलब है कि शांति से आना, शांति से। शांति का मतलब क्या? तुम्हारे सोसाइटी में क्या हम बैंड बाजा बजाते हुए आते चिल्लाते हैं पुलिस आई ले लो भाई पुलिस ले लो, ऐसा कभी बोल के आया मैं? मेरा मतलब है कि आप पुलिस जीप से आएंगे ना तो वो सायरन की आवाज मत होने देना। ओह वेरी स्मार्ट, तो ऐसा बोलो ना कि क्यों दबे पांव पुलिस को चोरों की तरह आना है। अब डायरेक्ट बोलोगे तो मुंबई पुलिस को हर्ट होगा ना, अब वर्दी पहन के चोर की तरह हूं तो कैसा लगेगा? सॉरी। और हाँ ऐसे सीधे सीधे बोला करो, तुम गोकुलधाम वाले खुद कंफ्यूज रहते हो और मुंबई पुलिस को भी कंफ्यूज करते हो। सॉरी सॉरी। अब फोन रखो तो हम आए। ओके ओके थैंक यू। आ रहे हैं ना? सॉरी पटेल, हमें गोकुलधाम जाना पड़ेगा। घर पे कह दो कि हम कब लौटेंगे पता नहीं, आज शहर में बारिश भी बहुत तेज हो रही है। जी सर। लिख के जाना है? नहीं सर। तो कैरी द रेनकोट्स। ओके सर। कम ऑन गो। भिड़े कब आएगी पुलिस? लाओ फोन तो पूछता हूँ। आती होगी। अब तो डर कम हो गया। जल्दी जलाल तो आए भला को कहे तो, जल्दी जलाल तो आए। अरे यार पोपटलाल क्या कर रहे हो यार, वैसे ही सब लोग डरे हुए तुम और क्यों डरा रहे हो यार, शांति रखो ना भाई थोड़ी। मुझे पता नहीं, आप आरंभ कीजिए मैं देख के रहता हूँ। नहीं, मैं अकेला नहीं बैठूंगा अरुण, मैं भी तेरे साथ आता हूँ। आइए। कैसे मस्ती है, कैसे मस्ती है? हे भगवान, कहीं पे बिजली तो नहीं गिरी ना? अरे मुझे लगता है वो डरावनी दुल्हन को पता चल गया है कि हमने पुलिस को बुलाया है, इसलिए वो हम सब पे बहुत गुस्सा हो गई है और वो भी बिजली गिरा रही है। अरे क्या कर रहे हो यार पोपटलाल, क्या बातें कर रहे हो, उसको कैसे पता चल सकता है? और अरे भैया शांति रखो, वैसे ही डरे हुए और ऐसी बातें मत करो भाई। ओ यारो ये तुक्के लगाना बंद करो, वो बाहर चल के देख लेते हैं ना। सोड़ी भाई तू क्या पागलों जैसी बात कर रहा है, क्या हो क्या गया तुझे, क्या बाहर जाके देखते हैं, क्या देखेंगे, डरावनी दुल्हन को देखेंगे क्या? अरे आवाज कहां से आई वो देखेंगे। रोशन बहुत है क्यों चारू, अब मैं तेरे को बाहर बिल्कुल भी नहीं जाने दूंगी। ओ रोशन डार्लिंग तू डर मत, और राव जी खुदाई जी है ना हमारे साथ। पिडू भैया चलो तुम दोनों भी। मैं? ओ पिडू तू गोकुलधाम का एक मेयर सेक्रेटरी है, वहां पे कुछ भी नुकसान हुआ होगा तो वो देखना तेरी जिम्मेदारी है। हाँ। अरे सड़ी मैं क्यों आऊं? अय्यर तुम ट्रेजर हो,
अगर कोई नुकसान हुआ होगा तो उसका हिसाब तो तुम ही देखोगे ना। फिर थोड़ी ये पोपटलाल भी कमेटी का मेंबर है। अरे नहीं ना, मुझे कमेटी में अंदर अभी क्या, मैं रिजाइन करता हूं मैं कमेटी से। मीका बिंटे आप लोग जाओ, लेकिन अगर कुछ लगे तो वापस जल्दी से अंदर आ जाना और कल देख लेंगे फिर क्या है। इमीडिएटली से वापस आ जाऊंगा मैं। ओ माधवी भाभी, तुसे बिल्कुल भी टेंशन ना लो, मैं हूं ना साथ में। बेटू अय्यर चलो, पोपो तू चल रहा। अरे चलो चलो चलो, सुनिए करना था आगे चलो। नहीं कुछ दिख नहीं रहा है, थोड़ी लगता है ऐसी आवाज आई होगी। चलो 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 यार, चलो आ जाओ आ जाओ, साथ हो चुको। यारो तुमने सुना क्या, तू मैंने बुला रहे भीड़ भाई? नहीं नहीं सॉरी, तुम्हें नहीं, कोई मुझे बुला रहा है। अरे कोई तुम दोनों को नहीं, कोई मेरे को बुला रहा है। कौन है कौन है? ऊपर ऊपर ऊपर। अरे चाचा जी आप, सुनो सुनो, अभी मोहनलाल के घर पे हमने जो देखा वो कुछ बोलना नहीं है, नहीं तो चाचा जी पूरी रात जागेंगे। इते, इते, इते। ए, क्या? नहीं, नहीं, ए, आप अभी तक जाग रहे हैं चाचा जी? अरे अभी एक धड़ाम करके एक आवाज आई ना, वो सुनी नहीं तुम लोगों ने? हाँ, बहुत खतरनाक आवाज थी वो। वो चाचा जी अब्दुल, वो कोई भी ऐसी बात नहीं है, वो तो बिजली के कड़कड़ाने की आवाज थी। आप दोनों आराम से जाके सो जाओ। अरे लेकिन इतनी रात को तुम तीनों नीचे क्या कर रहे हो? सोसाइटी पे नजर रख रहे हैं चाचा जी, ताकि आप आराम से सो जाए। अभी आप जाइए और सो जाइए। हाँ अब्दुल ठीक है ठीक है, आइए चाचा जी। शुक्र है शुक्र है, अंदर चले गए। चलो अभी ढूंढते आवाज कहाँ से आई। हाँ हाँ, वो तो देखे ही नहीं। देखो देखो उधर, देखो उधर कुछ है। वो एक सामने वो डिश हिली, देखो। ये तो ऐसा वो गोल ऐसा प्लेट के जैसा दिख रहा है। हाँ ऐसा लग रहा कि वो उड़न तश्तरी का कोई हिस्सा है। उड़न उड़न क्या? अरे वो फ्लाइंग सॉसर, यूएफओ यूएफओ, जिसमें नहीं एलियंस बैठ के आते हैं। वो कमाल करते हो यारो, वो पहले कह रहे थे भूत भूत है, अब कह रहे हो एलियन है। तो यारो एलियन कब से चूड़ा मंगल सूत्र पहनना शुरू हो गए? हाँ थोड़ी एकदम ठीक कह रहा है। अरे आजाराम, एलियन को हमारा लैंग्वेज कितना मालूम है, वो ऐसा कैसे लिख सकता है? चले जाओ यहाँ से। हाँ चलो चल के देख लेते हैं, आओ। ए, रुको रुको, वो देखो कौन है। ये आवाज सुनी आपने? अरे किस चीज की आवाज है? इतनी तूफानी बारिश में इतनी तेज आवाज, कहीं डरावनी दुल्हन ने हम पे हमला तो नहीं कर दिया? कहीं हमसे नाराज तो नहीं है? भाई उसके घर में घुसने की सजा तो नहीं दे रही है हमें डरावनी दुल्हन? क्या है ये, या फिर ये कोई नई मुसीबत है? कौन है ये जो कदम बढ़ाते हुए गोकुलधाम में आ रहा है? ये नई मुसीबत कहीं जो आ रहा है उसी ने धमाका तो नहीं किया भाई?
मुझे नहीं समझ में आ रहा कि क्या ये कोई बुरा साया है, क्या हो रहा है यहाँ। हम गोकुल थाने वासी वैसे ही पहले ही मोहनलाल मटका किंग के घर के बाहर वो लिखा हुआ संदेश, चले जाओ यहाँ से, घर के अंदर दुल्हन का चूड़ा, मंगलसूत्र, पांवों के निशान, इन सब चीजों से पहले ही इतने भयभीत हैं, और ये नया धमाका, ये नई मुसीबत, और क्या है ये, कौन है, कौन होगा? चिंता मत कीजिए, यहाँ चाहे जितने धमाके हो, आपके घरों में मनोरंजन के धमाके होते रहेंगे। जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए, और सोचिए कौन है। और बोलता है कि नहीं? हाँ कोले कोले। और मैं आखिरी बात बोल रहा हूँ, कौन है अभी के अभी बता दे, नहीं तो दर्द हुए छटारी। अरे बताओ कौन है? माओ नी माँ, चिन्ह है ना माओ। ये कौन सी भाषा है? मैंने नहीं बताया। साहब जी, मैं बाजू वाला सोसाइटी का वॉचमैन हूँ, मेरा नाम है वांगचुक। अरे हाँ, ये वांगचुक है, ये बाजू की सोसाइटी का वॉचमैन है, मैं जानता हूँ इसे, मैंने देखा इसे कई बार। अरे तो इधर हमारी सोसाइटी में इतनी रात को क्या कर रहा भाई? साहब जी, वो हमारा टेरिस में लगाया था ना साहब जी, वो तूफान आने के बाद वो उड़ते उड़ते इधर किधर आ गया, ठंगरंग गिरने का आवाज भी सुनाई दिया, तो ढूंढने को ले यहाँ तक आया साहब जी। वो किया गया, वायर लगाता है ना उसमें से ज्वाइन करके टीवी में, तो शाहरुख खान, सलमान खान बहुत कुछ देखता है ना साहब जी। हाँ हाँ वही वही, मैं भूल गया था, मतलब ये डिश एंटीना है, इसके गिरने का आवाज आया। ओ यारो, तुम भी कमाल करते हो, ओ ये डिश एंटीना है और तुम लोग एलियंस तक पहुंच गए। ओ वांसो, तू जाके अपना डिश एंटीना ले ले। ठीक है साहब। चलो अब अंदर चलते, अंदर सब बेकार में डरे। क्या बेकार में डर गए, सब लोग तुम भी थे। चलो अभी चलो चलो चलो। चल तू चला, तू भाई भला को टाल, तू चल तू चला। वो कुछ नहीं यारो, वो खोदा पहाड़ निकली डिश। बाहर बहुत जोर का हवा चल रहा है, इन्हें बाजू की सोसाइटी से टीवी का डिश होता है ना, वो इतना गोल वाला, वो आकर गिरा, उसका आवाज आया था। यारो इसीलिए किसी को भी डरने की कोई जरूरत नहीं है। अरे डरने की जरूरत क्यों नहीं है भाई? भाई माना कि आवाज वो डिश की थी, लेकिन मोहनलाल के घर पे हमने जो सारी चीजें देखी थी वो सब चीजें तो बात थी ना। कोई नहीं दिख रहा है सर। सर कोई नहीं दिख रहा, ये मुझे भी दिख रहा है। मैं कह रहा था कि गोकुल धाम वासियों को किसी से खतरा है, लेकिन गोकुल धाम तो एकदम सुनसान है। कहीं भिड़े के नाम से किसी ने फोन करके मुंबई पुलिस के साथ मजाक तो नहीं किया? सर है? आप वो आत्माराम तुकाराम को फोन करो ना। हाँ और सर संभल के, सर फोन में पानी ना चला जाए। ये मोबाइल वाटर प्रूफ है, समझे? आओ। पांडे जी का फोन है। आ, बात करो बात करो। हाँ बोलिए पांडे जी। तुम कहाँ हो? क्या? अरे तुम कहाँ हो? आप इतनी धीमी आवाज में क्यों बात कर रहे हैं? अरे तुम्ही ने बोला था ना कि दबे पांव चोरों की तरह गोकुल धाम में आना,
अब बोल रहे हो कि इतना धीमे क्यों बोल रहे हो? यहाँ कोकुलधाम वासी कुछ दिख क्यों नहीं रहा है? तो तुम लोगों ने केस खुद तो नहीं सॉल्व कर लिया? नहीं 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 पांडे जी, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग यहीं पे हैं, मैं तो सबके घर पे हूं। मैं आता हूं, बाहर में आता हूं। पांडे जी, पांडे जी, आपके लेफ्ट पे, लेफ्ट पे, और थोड़ा, हाँ बस बस, यही हूँ मैं, यही हूँ मैं। हमको बोलता है धीरे बोलो और कुछ जोर से बोल रहा है। बेहतर क्या है? धीरे बोलो, धीरे। नहीं नहीं, आप यहाँ आइए। हम क्या बोल रहे हैं और ये क्या बोल रहे हैं? चलो। है खतरा? अंदर है खतरा, चल चल। नहीं नहीं, खतरा नहीं है। मैं बोल रहा हूँ कि अंदर हम सब जमा है, आप अंदर आ जाइए, बता रहा हूँ मैं। आइए 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 पांडे जी, आइए। नमस्ते नमस्ते, क्यों क्या हुआ भाई? बचा लीजिए पांडे जी, बचा लीजिए, सब सब बहुत डरे हुए। ओ पप्पू, ओ मैं गुरु साहब की कृपा से बिल्कुल भी डरा नहीं हुआ हूँ, और तुम डरे हो यार। हाँ, ये नहीं डरा हुआ है, इसको छोड़ के बाकी कोई नहीं डरा हुआ है। तेरा मतलब है इसको छोड़ के बाकी सब डरे हुए हैं? हाँ। वो बात तो भिड़े ने फोन पर भी बता दी है, लेकिन ये बताइए आप लोग किससे डरे हुए हैं? डरावनी दुल्हन से। दुल्हन? कुपरलाल, तुमने शादी कर ली और हमें बताया भी नहीं। अरे वो मेरी दुल्हन नहीं है। मिस्टर पत्रकार पोपटलाल, आप पुलिस से बात कर रहे हैं, बिहेव योरसेल्फ। सॉरी सॉरी पांडे जी, मेरे कहने का मतलब है कि अगर मेरी शादी हुई होती तो मैं अपनी दुल्हन को डरावनी दुल्हन क्यों कहता? तुम किसकी दुल्हन से डरे भाई? लोग तो अपनी दुल्हन से ही डरते हैं ना। मैं भी अपनी बासुंदी से डरता हूँ। बड़ा लव हर। आप तुम किस दुल्हन से डर रहे हो पत्रकार पोपटलाल, ये बताओगे? पांडे जी, दरअसल वो दुल्हन जो है वो इंसान नहीं है। वो इंसान नहीं है तो क्या जानवर है? नहीं नहीं, जानवर भी नहीं है। जानवर भी नहीं है और इंसान भी नहीं है तो फिर है क्या वो? वो मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ कि वो इंसान भी नहीं है, जानवर भी नहीं है तो है क्या वो? वो भूत है, भूत। पाटिल, आजकल तो हद हो गई है, इंसानों से ज्यादा भूतों के केस आ रहे हैं। देखिए, हमें पुलिस एकेडमी में ट्रेनिंग दी जाती है कि जिस इंसान पर गुनाहों का भूत सवार होता है उसका भूत उतारने के लिए। भूत को पकड़ने के लिए हमें ट्रेनिंग नहीं दी जाती। पुलिस भूतों को पकड़ने का काम नहीं करती। अरे क्यों नहीं करती? मिस्टर पत्रकार पोपटलाल, बिहेव योरसेल्फ। मतलब आप, अरे देखिए, आपको पब्लिक की रक्षा करनी चाहिए, चाहे वो इंसानों से हो या भूतों से हो। पांडे साहब, माना कि पुलिस गुनहगारों को पकड़ती है, लेकिन हम नागरिकों की रक्षा करना भी तो आप ही की जिम्मेदारी है ना। पॉजिटिवरी, और इस वक्त हम सबको उस भूत से खतरा है। देखिए, हम अंधश्रद्धा के सख्त खिलाफ हैं। भूत, पिशाच, डायन, ऐसा कुछ नहीं होता। ये सब कमजोर दिमाग की बनाई हुई बातें हैं। इंस्पेक्टर साहब, आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन आप तो जानते हैं मैं साइंटिस्ट हूँ, आत्माराम शिक्षक है, मेहता साहब लेखक है, पोपटलाल पत्रकार है, और थोड़ी तो गैरेज मालिक है। हम लोग भी अंधश्रद्धा में मानते नहीं है, लेकिन हमने वो मोहनलाल के फ्लैट में जो देखा वो हमारे समझ के बाहर है। बिल्कुल। अच्छा, मैंने तो अपनी आंखों से देखा है, आंखों से। हाँ हाँ पांडे जी, हमने भी हमारी आंखों से देखा है, प्लीज हमारी मदद कीजिए। पकड़ लीजिए पांडे जी, प्लीज आप उस डरावनी दुल्हन को पकड़ लीजिए, वो कुंवारों पे झपटती है। अरे देखिए, मैं आप लोगों से साफ साफ बता रहा हूँ
हमें भूतों को पकड़ने की ट्रेनिंग नहीं दी गई। अरे अब पुलिस ही ऐसा बोलेगी तो फिर हम पब्लिक की रक्षा कौन करेगा? देखिए, हमारे भूतकाल का अनुभव ये कहता है कि जब भी ऐसा कोई केस होता है उसमें कोई भूत नहीं किसी शातिर इंसान का हाथ होता है। ओ, इंसान का हाथ नहीं इंस्पेक्टर चालू पांडे जी, पूरा का पूरा इंसान निकलता है। ओ जी, इससे पहले भी गोकुलधाम में इस तरीके का किस्सा हो चुका है। ओ जी, एक भूतनी दिखी थी और उसको देखकर सब लोग डर गए थे। भूत भूत कुछ नहीं होता। अब मुझे ये तो बताओ कि ये लड़की को भूतनी बना के हम सब लोगों को डराया क्यों? दरअसल हमें हमारे काम के लिए खाली फ्लैट की जरूरत थी। ये सोसाइटी में रात तक चहल पहल रहती थी, इसलिए हमने ये भूतनी का नाटक किया। लेकिन जैसा कि आपने कहा, ओ जी भूत भूत कुछ नहीं था, वो इंसानों की पूरी गैंग ये कर रही थी। वो अलग किस्सा था, वो भूतनी हमें दिखती थी, हमारी आंखों के सामने दिखती थी, लेकिन ये दिखती नहीं, ऐसे डराती है। ठीक है भाई, हम इसकी तहकीकात करेंगे। अब आप लोगों को किसने क्या देखा है, कहाँ देखा है और कब देखा है वो हमें आप लोगों को बताना पड़ेगा। पांडे जी, मैं आपको सब सविस्तर बताता हूँ। क्या हुआ, कल रात को चंपक चाचा जी बालकनी में खड़े थे तो उन्होंने देखा कि मोहनलाल के फ्लैट में मोहनलाल भटका किंग का घर तो बंद है, वहाँ मोमबत्ती किसने जलाई? देखो चाचा जी, ताले नो सही तरीके नाल देख लो और तसल्ली कर। देखिए चाचा जी, इतना बड़ा मजबूत अलीगढ़ का ताला लगा हुआ है, कोई अंदर कैसे जा सकता है? तो लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? वो भ्रम नहीं था, मैंने अपनी आंखों से देखा था। तो ये ऐसा सब हुआ? और आज जब मैं सोसाइटी में आया तो मैंने देखा चार हाथ, मतलब जो भी है वो ऊपर वाले फ्लैट में है। वैसे वो फ्लैट है किसका? वो मोहनलाल जी का फ्लैट है, पर वो यहाँ पे नहीं रहते। वो कहाँ रहता है और करता क्या है? नहीं, वो कहाँ रहते वो किसी को नहीं मालूम। दरअसल वो मटका किंग है। मटका किंग मतलब जुए का अड्डा चलाने वाला? नहीं, मटका किंग मतलब वो मटके का बिजनेस करते हैं, वो पानी पीने का जो होता है ना मटका, उसका बिजनेस करते हैं। वो कहाँ रहते हैं पता नहीं, वो आते भी नहीं यहाँ पे, लेकिन उनका मेंटेनेंस का चेक टाइम टू टाइम आ जाता है। मिट्टी का मटके बनाने वाले का ऐसा फ्लैट? खैर, वो तो तहकीकात के बाद सब कुछ पता चल जाएगा। पहले हमें उस फ्लैट को ठीक से देखना होगा। पाटिल, कमन मो। कहाँ सर? हमारी ससुराल। सर, अभी पिछले हफ्ते ही तो अब जाके आए। तुम्हें डर लग रहा है क्या पाटिल? तुम्हें डर लग रहा है? नहीं सर। याद रखो, तुम मुंबई पुलिस हो, तुम नहीं डरोगे। नहीं सर। अगर तुम डर गए हमारा इंसल्ट होगा, नहीं डरने का। सावंत, आप डर रहे हो? मोहन? नहीं सर। ना मैं डर रहा हूँ ना ये दोनों डर रहे हैं। तो फिर तुम क्यों डर रहे हो पार्टी? यू आर इंसल्टिंग मुंबई पुलिस। नो सर। सॉरी। आप लोगों ने वहां पर क्या देखा वो बताने के लिए आप लोगों को चलना पड़ेगा हमारे। नहीं नहीं पंडित जी, हम लोगों को बहुत डर लग रहा है वहां जाने में,
हम लोग नहीं आएंगे प्लीज। पांडे साहब अभी तो हम लोग डर के मारे वहां से भाग कर आए और अभी आप वापस जाने की बात कर रहे हैं। नहीं नहीं मैं तो बिल्कुल नहीं आऊंगा। देखिए अगर आप लोगों के साथ मुंबई पुलिस है तो आप लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं है, आपको कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। अच्छा बाल भी बांका नहीं होगा? बेटे तू जा। नहीं नहीं सेक्रेटरी है ना तू, इसलिए सचिव सचिव। चलो यारो सारे चलते हैं, अब तो रोशन सिंह सोडी के साथ आपके साथ मुंबई पुलिस भी है। और डरो मत कुछ नहीं होगा, चलो जी चलो। देखिए पुलिस के साथ रहते हुए आप लोगों का डरना पुलिस का अपमान है। प्लीज डोंट इंसल्ट द पुलिस, आई रिक्वेस्ट। आप लोग हमारे साथ चलिए, मैं प्रॉमिस करता हूं किसी को कुछ नहीं होगा। अरे पांडे जी मुंबई पुलिस ने अभी वहां कुछ देखा नहीं है ना, इसलिए आप ऐसा कह रहे हैं। वहां जाकर के आपने सब देखा तो मुंबई पुलिस भी इंसान ही है ना, अगर आप डर गए तो क्या करने का? अरे? पत्रकार पोपटलाल माना कि पुलिस इंसान होती है, फिर भी डर उसे किसी से नहीं लगता, क्योंकि डर खुद मुंबई पुलिस से डरता है। Come on, let's move. चलो 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 जी चलो। एक मिनट, बाहर बारिश बहुत तेज है, आप लोगों के पास छतरी है? ओ भिड़े, वो मटका किंग का घर किधर है? वो डीविंग में ऊपर वाला फ्लैट, वो वाला? हाँ हाँ आइए 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 आइए। एक मिनट, सब लोग आ गए? सब आए पानी से आ गए। डरना मत, मुंबई पुलिस साथ में है। सब आ गए ना? चल तू जलाल तू आई बला कुटाल तू, चल तू जलाल तू आई बला कुटाल तू, चल तू जलाल तू आई बला कुटाल तू। आइए इंस्पेक्टर, चलो पानी जी आइए आइए। देखिए कुत्ते जी, कहाँ निकाल? अरे पांडे जी इधर ही लिखा हुआ था। कहाँ गायब हो गया? वो यारो ऐसे तो कुछ लिखा ही नहीं है। कोड़ी पूछ लो भगवान, क्या मजाक लगा रखा है भिड़े? कहाँ लिखा हुआ है? नहीं 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 पांडे जी कोई मजाक नहीं है, ये क्या, ये कैसे हो सकता है? This is impossible. इंस्पेक्टर चालू पांडे जी, हम सब इधर आए थे तब यहाँ पे लिखा हुआ था, चले जाओ यहाँ से। अगर यहाँ लिखा हुआ था तो गया कहाँ? मालूम? आप मुझसे पूछ रहे? हाँ मैं तुमसे ही पूछ रहा हूँ बेटे। नहीं आई शपथ मुझे नहीं मालूम पांडे जी। आप लोगों ने इस फ्लैट के बारे में भी बहुत सी कहानियां बताई थी ना, अब चलकर अंदर देखते हैं कि वो कहानी सच है या झूठ। चल सुनिए बाबू, अच्छा आइए समझ ना। यस यस यस। ये क्या हुआ, कैसे हुआ? अरे भाई यहाँ बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था चले जाओ यहाँ से, हम सबने अपनी आंखों से देखा है, हम सबने पढ़ा है, लेकिन अब नजर क्यों नहीं आ रहा? जब इंस्पेक्टर चालू पांडे के साथ आए तब नजर नहीं आ रहा है, क्या रहस्य है भाई, क्या राज है? पर अब आगे क्या होगा, जब हम इस फ्लैट के अंदर जाएंगे तो अंदर वो जो मंगलसूत्र, जो चूड़ा, जो पांव के निशान, क्या वो इंस्पेक्टर चालू पांडे को नजर आएंगे? क्या वो डरावनी हंसी सुनाई देगी?
अगर हाँ तो क्या इंस्पेक्टर चालू पांडे भी हमारी तरह डर जाएंगे? क्या होने वाला है कुछ पता नहीं। सवाल बहुत सारे, ऐसे बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में भी मंडरा रहे होंगे, लेकिन हर सवाल का जवाब मिलेगा सोमवार को जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए, हम कहेंगे चले आओ यहाँ पे। आ गया, चले जाओ यहाँ से। मित्रों एक विशेष बात, आज नवरोज, हमारे सभी पारसी भाई बहनों को तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम की ओर से नवरोज मुबारक, बहुत बहुत शुभकामनाएं, हैप्पी न्यू ईयर। और हाँ, देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।